हेलो एवरीवन, और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनसाइट के जो मंथली कंपाइलेशंस होते हैं। लास्ट जो मंथ हमारा गया अप्रैल का, उसके विजन के जो मार्च वाले थे वो चल रहे हैं। इनसाइट के बारे में अच्छा ये होता है कि जैसे जिस दिन मंथ एंड होता है ना, ये लोग उसी दिन रिलीज़ कर देते हैं प्रीवियस मंथ का। इनसाइट को टाइम लगता है, वो कंपाइल करने में एटलीस्ट 15 डेज लगाते हैं, तो उनका अप्रॉक्स 14, 15, 16 के मे के आसपास आएगा अप्रैल का। वो भी मैं पूरा करवा दूंगा। इस इनसाइट वाले के अंदर मैं कोशिश ये करूँगा कि हम इसको 7 डेज़ में कंप्लीट कर लें। और आप लोग क्या कीजिएगा कि ना, इसको फर्स्ट 10 डेज़ में ना एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि इसको आप 2 बार कंप्लीट कर लो। इसमें जो भी होगा ना, इसमें एग्जैक्टली टू वर्ड मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता चलूँगा। प्लस अगर उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमको पता नहीं होते, वो मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा। वर्ड्स की मीनिंग भी मैं बहुत अच्छे से बताता चलूँगा, ताकि अगर कोई हिंदी मीडियम का है उसको तकलीफ़ ना हो समझने में भी। और मेरी बस ये रिक्वेस्ट रहेगी, इसको ना 1-2 बार मत देखना। एक मंथ के अंदर जो मंथली कंपाइलेशन आती है, यू शुड वॉच इट एटलीस्ट 4-5 टाइम्स। आपको सारा का सारा चीज़ रिपीटेडली आप पढ़ रहे होते हो ना, तो आपको दिमाग में बैठने लगता है कि अच्छा ऐसे हो रहा था, अच्छा ये हुआ था। देन इट्स फॉर्म्स दैट लीक, वो एक पाथ बन जाता है। उसके ऊपर फिर आपको नेक्स्ट टाइम जब कंटेंट आता है तो आपको लगता है अरे ये तो मुझे पता था, तब ये पाथ बनता है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशंस। ये आपको पता ही होगा कि अप्रैल मंथ का है। टेबल ऑफ कंटेंट्स आप लोग देख ही लेना। स्टार्टिंग हम लोग करते हैं, पहले हम लोग एक्सप्लेन करते हैं सारे के सारे टॉपिक। फर्स्ट के हैं ना कल्चर वाले, इसमें इनके पास 6 टॉपिक्स हैं, तो एक वीडियो में मैं आपको 3 और 3 और 3 करके ऐसे 2 वीडियोस में सारे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, पहला ही टॉपिक है हमारा तबलीगी जमात के बारे में। ये इसलिए न्यूज़ के अंदर था क्योंकि COVID-19 के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने पाया गया था, उन्होंने कहा था कि 200 पीपल वर टेस्टेड पॉजिटिव। हालांकि ये उस दिन की न्यूज़ थी, बाद में इसको देखा गया था 200 से ज़्यादा लोग थे जिन्होंने ऑन एन अप्रॉक्स जो 4000 लोगों की एक ओल्ड गैदरिंग हुई थी दिल्ली के मरकज़ निज़ामुद्दीन में, जो कि हेडक्वार्टर है तबलीगी जमात का। अभी तबलीगी जमात है क्या, ये एक बार जान लेना चाहिए। देखो, ये एक सोसाइटी है जो कि स्प्रेड ती है फेथ, यानी कि अपने धर्म का विश्वास, फेथ यानी कि उसके प्रति जो श्रद्धा है उसको प्रोपगेट करना, उसको प्रीच करना, उसके उपदेश देते हैं ये लोग। ये कंजर्वेटिव मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। जब हम कंजर्वेटिव वर्ड का यूज़ करते हैं तो मतलब ट्रेडिशनल, पुराना जो इस्लाम है ना, जो पहले का जो इस्लाम था, जो असली इस्लाम है, ये उसको स्थापित करना चाहते हैं। इनका मोटिव होता है कि हमारा जो असली इस्लाम है, क्योंकि विद टाइम हर एक चीज़ जो होती है मिसइंटरप्रिटेशन के कारण और विद टाइम उसमें डलनेस आ जाती है, तो ये लोग क्या करते हैं, कह रहे हैं कि जो कंजर्वेटिव जो मुस्लिम था, इस्लाम था, उसको हम री एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। यानी कि जो ट्रेडिशनल, जो बिल्कुल प्योर इस्लाम था स्टार्टिंग में जो था। फिर ये एक सुन्नी इस्लामिक मिशनरी मूवमेंट। अब सुन्नी और शिया, ये आपको 2 डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो, इसका शॉर्टकट मैं आपको थोड़ा तरीका बताता हूँ उसको कैसे याद रखना चाहिए जिनको नहीं पता है उनके लिए, फिर मैं बताता हूँ कि सुन्नी और शिया होते क्या हैं। पहले ये देखो कि सुन्नी और शिया कहाँ कहाँ मिल लेते हैं। जनरली जब हम लोग कॉमन सेंस से बात करते हैं, ईस्ट और वेस्ट की बात करते हैं, तो हम और लेफ्ट राइट की हैं, तो एक कैजुअल वे जो बोलने का है उसमें हम लोग ईस्ट को पहले बोलते हैं और वेस्ट को बाद में बोलते हैं। सेम तरीके हम लेफ्ट को पहले बोलते हैं, राइट को बाद में बोलते हैं। एक कैजुअल तरीका है, कोई रूल नहीं है, एक बहुत ही आम बोलचाल की भाषा की बात है। उसी तरीके से जब शिया और सुन्नी की बात करते हैं तो हम लोग शिया पहले बोलते हैं, सुन्नी बाद में बोलते हैं। ठीक है, अब वर्ल्ड मैप के ऊपर आ जाओ। यहाँ पर मान लो हमारा इंडिया है, यहाँ ईरान है, यहाँ पर सऊदी अरेबिया है। ठीक है, मैंने इसको ऐसे याद किया था, हम लोग जब शिया और सुन्नी बोलते हैं कैजुअल वे में, जब हम बोलेंगे जैसे हम ईस्ट और वेस्ट बोल रहे हैं, तो हम शिया सुन्नी बोलेंगे, पहले शिया को बोलेंगे फिर हम सुन्नी को बोलेंगे, या फिर इसको अल्फाबेटिकली याद रखो, डिक्शनरी में पहले आता है शिया बाद में आता है सुन्नी। तो शिया जो है वो इंडिया की तरफ है, मैं ये मान के चलता हूँ, और सुन्नी जो है वो सऊदी अरेबिया। शिया सुन्नी, शिया SHSU, इस तरीके से मैं इसको याद रखता हूँ, आप भी ऐसे याद रख सकते हैं। अब शिया सुन्नी होते क्या हैं ये लोग, देखो जब 632 में ईयर 632 के अंदर जब प्रॉफिट मोहम्मद ही लेफ्ट इज बॉडी, देखो जनरली जो एनलाइटेंड लोग होते हैं ना, उनके बारे में हम कभी भी ये नहीं बोलते दैट ही डाइड और ही एक्सपायर्ड। वी ऑलवेज यूज दिस टर्म कि ही लेफ्ट इज बॉडी। जैसे अगर आप मंदिर में जाते हो तो जो भी शिवलिंग वगैरह के ऊपर आप पानी डालते हो, तो आपको ये नहीं बोलते पानी डाला है, आप बोलते हो जल चढ़ाया है। ठीक है, उसी तरीके से जब ये एनलाइटेंड लोग होते हैं, ये अपनी जब इनकी डेथ होती है तो उसको हम ये नहीं बोलते दैट ही डाइड और ही उनकी डेथ हुई थी, हम ये बोलते हैं दे लेफ्ट देयर बॉडी। ठीक है, तो जब जो प्रॉफिट मोहम्मद थे ना, उनके 2 सेक्ट्स बने थे, एक थे शिया वाले, एक थे सुन्नी वाले।
अभी शिया वाले कौन थे? देखो शिया वाले वो लोग थे, वो बोल रहे थे कि इनके जो फैमिली के मेंबर्स हैं ना उनको हम फॉलो करेंगे, जिसमें इन्होंने जनरली अली को फॉलो किया था। ये सुन्नी वाले बोल रहे थे कि इनके जो फॉलोअर्स हैं ना हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। तो इनके बीच फिर डिफरेंसेस आ गए थे, लेकिन जो डिफरेंस था ना ये रिलीजन को लेकर नहीं था डिफरेंस कभी भी, ये रिलीजन था पावर को लेकर। पावर की थी कि किसकी पावर रहेगी, कौन फॉलो करेगा, बस यही एक चीज़ है कि इतना आपको समझना। ईरान के अंदर शिया आता है, सऊदी अरेबिया में सुन्नीज आते हैं। शिया की पॉपुलेशन कम है, बताते हैं कि 15 से कुछ 17% ही जितने भी मुस्लिम्स हैं हमारे वर्ल्ड में सिर्फ इतने ही परसेंट हैं जो कि शिया हैं, और जो बच गए हैं यानी कि 85 से लेकर कुछ 83% के आसपास वो हमारे सुन्नीज हैं। इतना आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो ये जो तबलीगी जमात है ये क्या करता है, सुन्नी इस्लामिक मिशनरी मूवमेंट हैगा, और ये क्या करता है कि ऑर्डिनरी मुस्लिम तक पहुंचकर उनके जो रिलीजन के बारे में जो उनके रिचुअल्स हैं, उनका जो पहनावा है, उनका जो पर्सनल बिहेवियर है, उसको सिखाने की कोशिश करते हैं। ये इनका मोटिव होता है। तो ये जनरली किस किस कंट्रीज़ में पाई जाती है तबलीगी जमात जो है, इसके बेस कहाँ कहाँ पे, बांग्लादेश की बात करो, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर। अब इस मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई थी, देखो इस मूवमेंट को शुरू करने वाले थे मौलाना मोहम्मद इलियास खांडल्फ। 1926 में मेवात के अंदर हरियाणा में इसकी शुरुआत हुई थी। जो हाफी स्कूल है ना ज्यूरिसप्रूडेंस का, हाफी स्कूल ज्यूरिसप्रूडेंस का मतलब होता है न्यायशास्त्र, न्यायशास्त्र का एक स्कूल है हनाफी। एक्चुअली कुछ वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है कि क्योंकि ये उर्दू का शब्द है, तो ये मैंने सारे पहले कभी सुने नहीं थे, मैंने भी पढ़ा ही है, बस प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत हो सकती है कि अदरवाइज़ चीज़ें वही हैं, कंटेंट मैंने क्लैरिटी के साथ ही आपको बताऊंगा। तो देवबंदी भी जगह है, देवबंदी के अंदर जो हानिफ स्कूल है ना न्यायशास्त्र का, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो मौलाना इलियास जो थे उन्होंने बहुत सारे यंग लोगों को ट्रेन किया था जो कि देवबंद के थे, सहारनपुर के थे, फिर उन्होंने उनको मेवात भेजा था जहाँ उन्होंने तबलीगी जमात को एस्टेब्लिश किया था। अगर आप जमात की बात करते हो, जैसे स्कूल में हम बोलते हैं ना क्लास, जमात क्लास का उर्दू वर्जन होता है, उर्दू में क्लास को, कक्षा को जमात बोलते हैं। तो ये लोग इन्होंने एक नेटवर्क बनाया जो मदरसे का था, मॉस्क था, मॉस्क आपको पता होगा मस्जिद को बोलते हैं जहाँ प्रे की जाती है, नमाज पढ़ी जाती है, मदरसे स्कूल होते हैं जहाँ पर सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है। अब तबलीगी जमात के ना 6 प्रिंसिपल है यानी कि 6 सिद्धांत हैं। पहला है कलीमा, कलीमा होता है आर्टिकल ऑफ फेथ इन विच तबलीगी एक्सेप्ट करता है कि कोई गॉड जैसा कुछ नहीं है, जो है वो सिर्फ अल्लाह है, और जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद थे वो उनके मैसेंजर हैं, यानी कि उनका संदेश लेकर आने वाले जो हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद है, इसको बोलते हैं कलीमा। सेकेंड है सलात, सलात कमाने का मतलब है कि आपको दिन में 5 बार नमाज पढ़नी है। थर्ड होता है इल्म एंड ज़िक्र, इल्म एंड ज़िक्र का मतलब होता है नॉलेज एंड रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, अल्लाह का जो ज्ञान है और उनकी याद, उनको याद रखना है और उनके ज्ञान को और जानने की कोशिश करना। इसके सेशंस करवाए जाते हैं, यानी कि जैसे अगर आप हिंदूज़ की बात करते हैं तो ये लोग भजन कराते हैं, सत्संग कराते हैं, कीर्तन कराते हैं, तो ये लोग भी नॉलेज सेशंस कराते हैं। अब कॉन्ग्रीगेशन वर्ड का मतलब होता है कौन का मतलब होता है टुगेदर, ग्रीगेशन का मतलब वन पीपल मीट टुगेदर टू ए प्लेस, कोई भी ग्रुप होता है कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं जनरली इसको, रिलीजन के टर्म्स में कॉन्ग्रीगेशन वर्ड का यूज़ किया जाता है। जो कॉन्ग्रीगेशन होते हैं ना वो क्या करते हैं, इमाम की प्रीचिंग को यानी कि उपदेश को सुनते हैं, प्रीचिंग मतलब उपदेश को, वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, कुरान को रिसाइट करते हैं, ठीक है, और हदीथ को पढ़ते हैं। हदीथ क्या होती है, हदीथ एक कुरान के अलावा एक और इनकी स्क्रिप्चर होते हैं, उसके अंदर जनरली इस्लाम के रिचुअल्स वगैरह होते हैं, उन सबको बारे में बताया हुआ होता है। जो कॉन्ग्रीगेशन होता है वो क्या करता है, ऐसे सेशंस के खाने के ऊपर भी ऐसे सेशन करते हैं, ठीक है, और फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड आइडेंटिटी, कम्युनिटी और आइडेंटिटी की जो सोच विचार है ना उसको स्थापित करने की बात की जाती है, उसको बोलते हैं इल्म और एंड ज़िक्र। फिर आता है इकरम ए मुस्लिम, ये होता है कि आपके जो दूसरे जो मुस्लिम्स हैं ना उनको इज़्ज़त के साथ आपके आपको पेश आना उनके साथ, इल्म इकरम ए मुस्लिम। नेक्स्ट 5th होता है इकलस ए नियाद, सिंसियरिटी ऑफ इंटेंशन, जो आप इंटेंशन मतलब मंशा, जो मंशा है ना उसके अंदर बहुत सिंसियरिटी होनी चाहिए। और जो लास्ट प्रिंसिपल है इनका वो है दावत और तबलीग, दावत और तबलीग का सिंपल मतलब होता है रिलीजन कन्वर्जन। ऑलराइट, अब इसका स्कोप क्या है, देखो ये एस्टिमेट किया जाता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना ये तकरीबन 70 से 80 मिलियन, देखो 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के खराब इक्वल होता है, और 10 मिलियन किसके इक्वल हो गए,
100 लाख यानी कि 1 करोड़ के इक्वल, 70 मिलियन यानी कि 7 करोड़, 80 मिलियन यानी कि 8 करोड़। तो 7 से 8 करोड़ फॉलोअर्स हैं इनके पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो कि इसको वर्ल्ड की बिगेस्ट मुस्लिम मूवमेंट बनाते हैं। इनफैक्ट आउटसाइड दी हज, अब हज क्या होता है, देखो सऊदी अरेबिया में मक्का है। क्यों सऊदी अरेबिया में मक्का, क्योंकि जो प्रोफेट अहमद थे ना, उन्होंने इस्लाम की शुरुआत सऊदी अरेबिया में की थी। तो वहाँ पर एक जगह है मक्का, जहाँ पर वो एक पिलग्रिमेज है, यानी कि एक तीर्थ यात्रा है। जैसे हिंदुओं के अंदर क्या करते हैं, केदारनाथ चले जाएंगे, अमरनाथ चले जाएंगे, वैष्णो देवी चले जाएंगे, वो एक तीर्थ है। उसी तरीके से इस्लाम के अंदर जो तीर्थ होता है उसे बोलते हैं हज। हमारे यहाँ बोलते हैं 4 धाम पे जाना, उनके वहाँ पर बोलते हैं मक्का हज पे जाना। तो ये कहते हैं कि हज के अलावा, मक्का के अलावा, ये एनुअल जो मीटिंग्स होती है ना, ये इसकी कंट्रीज़ में एनुअल मीटिंग होती है, जो कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में, जहाँ पर ये बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मुस्लिम्स को एक साथ लेके आते हैं। अब इसके फंक्शनिंग के ऊपर इतना क्रिटिसिज्म क्यों है, इसकी इतनी आलोचना क्यों की जा रही है? देखो, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्कोप है ना, वो बहुत लिमिटेड दिखाई देता है मुस्लिम फेथ को प्रीच करने में, उपदेश देने में, आगे बढ़ाने में। क्योंकि इस ग्रुप को बहुत बार एक्यूज़ किया गया है कि ये रेडिकल आउटफिट्स के हैं। रेडिकल आउटफिट्स मतलब ये बहुत ही कट्टरपंथी वाला इस्लाम फॉलो करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ऐसी इनकी आलोचना की गई है, ये लिखा हुआ है। एज़ पर सम ऑब्जर्वर, कुछ लोगों के मुताबिक, इट कुड टेक एडवांटेजेस ऑफ इट्स लूज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन का लूज स्ट्रक्चर होता है ना, उसका भी फ़ायदा उठाया जाता है। इसके अलावा ये कोई अपना एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ पब्लिकेशन नहीं करते हैं, ठीक है। इनका कोई फाइनेंस का कोई सोर्स नहीं है बताया हुआ होता है किसी को। ऐसा माना जाता है कि इनके पास कोई डोनेशन नहीं आता है, बल्कि इनके जो सीनियर मेंबर्स होते हैं वही इसको फाइनेंस करते हैं। तो ये था हमारा तबलीगी जमात के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात कर लेते हैं, हु आर निहंग्स। आप लोगों ने COVID-19 के टाइम पे एक केस के बारे में सुना होगा कि पंजाब के अंदर पटियाला में एक पुलिस ऑफिसर का हाथ काट दिया गया था। आज जिस डेट को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज ही की डेट को पुलिस ऑफिसर अपने हॉस्पिटल से अपने घर वापस लौट के आए हैं। तो उनका जो हाथ काटने वाले थे वो निहंग थे, ये वो न्यूज़ थी। अब निहंग लोग होते क्या हैं? देखो, ये ऑर्डर ऑफ सिक्स होता है, ठीक है ना। इनकी ब्लू कलर की जो होती है पहनावा होता है, एंटीक्वेटेड आर्म्स। एंटीक्वेटेड का मतलब होता है जो पुरानी चीज़ें होती हैं, इनके जो हथियार होते हैं पुराने ज़माने के होते हैं। आपने देखा होगा भाले, तलवार वगैरह टाइप के, और एक घुमाने वुमाने की कई चीज़ें होती हैंगी। आपको याद होगा नीले वस्त्रों के अंदर जो ये सरदार लोग दिखते हैं हमें, इन्हीं लोगों को हम निहंग बोलते हैं, ठीक है। तलवार होती है, स्पीयर भाला को बोलते हैं। इनकी जो टर्बन होती है, जो पगड़ी होती है, बहुत सजी धजी होती है, एंड स्टील कोइट्स वगैरह होते हैं, उसके ऊपर जो निशान होता है एक गोल सर्कल, आप लोगों ने केसरी मूवी में देखा होगा, अक्षय कुमार ने जो पगड़ी पहनी थी उसके ऊपर एक गोल सा था एक स्टील का, उसको निशान बोलते हैं। अब निहंग का मतलब क्या होता है एटिमोलॉजिकली, यानी कि एटिमोलॉजी का मतलब इस वर्ड का जो मीनिंग होता है निहंग का, पर्शियन लैंग्वेज में बोलते हैं एलिगेटर को। एलिगेटर आपको पता है वो एक तरह का मगरमच्छ होता है। स्वॉर्ड एंड पेन, तलवार और कलम भी होता है निहंग का। लेकिन जब इसका संस्कृत मीनिंग की हम बात करते हैं तो वो उसका मतलब होता है वर्ड निशांक, वर्ड से निहंग निकल के आया है, जिसका मतलब होता है विदाउट फियर, जो डरता नहीं है, अनब्लेमिश, जो उत्तम है, प्योर, जो शुद्ध है, केयर फ्री, जो आज़ाद है, एंड इनडिफरेंट टू द वर्ल्डली गेन्स एंड कम्फर्ट्स, यानी कि उसको संसार के सुख और फायदे वाली चीज़ों से कोई लगाव नहीं है, यानी कि मन से वो सन्यासी है, उसी टाइप का आप मान सकते हैं। अब इनका ओरिजिन कहाँ हुआ था, सोर्सेज ये बताते हैं। देखो, ये आप फोटो भी यहाँ पर आ गई है, आप लोग देख के समझ जाओगे कि ये लोग निहंग होते हैंगे। आप लोगों ने ऐसे निहंग्स को बहुत बार देखा होगा। अब इसके अगर हम ओरिजिन की बात करें तो सोर्सेज ये बताते हैं कि जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो छोटे बेटे थे फतेह सिंह, वो एक बार गुरु गोविंद सिंह जी की प्रेजेंस में आए थे एक ब्लू कलर का, नीले रंग का चोला पहन के और नीले रंग की पगड़ी पहन के, विद ए दुमला। तो उनको देख कर, अपने बेटे को इस तरह से इतना खूबसूरत वस्त्रों में देख कर, जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उन्होंने कहा था कि इस जो उनके जो निहंग होंगे ना, जो उनके बहादुर सोल्जर्स थे, वो इसी ड्रेस को पहनेंगे। अब ये जो निहंग होते हैं, ये बाकी सिख से और बाकी सिख वॉरियर से डिफरेंट कैसे होते हैं? देखो, निहंग जोग जो होते हैं ना, वो खालसा पंथ को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। जैसे हमने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि ये लोग सुन्नी उसको फॉलो करते हैं, ये बहुत ही कंजर्वेटिव मुस्लिम आइडेंटिटी को प्रीच करते हैं, यानी कि कट्टरपंथी वाली जो होती है ना, कट्टर इस्लाम जिसे कहा जाता है, उसी तरीके से जो निहंग होते हैं ना, वो कट्टर सिख इज़्म को भी फॉलो करते हैं।
दे डू नॉट प्रोफेस एनी एलिजियंस टू एन अर्थली मास्टर, यानी कि वो किसी अर्थली मास्टर, एलिजियंस मतलब उनके साथ तालमेल, इनका किसी अर्थली मास्टर के साथ कोई तालमेल नहीं होता है। अर्थली मास्टर क्या होते हैं? अर्थली मास्टर का मतलब होता है कि जो ह्यूमन बॉडी में होता है, ये दिव्यता को मानते हैं, जो ईश्वर की, जो गुरु की, जो गुरु तत्व होता है ना, गुरु प्रिंसिपल होता है, ये उसको ज़्यादा मानते हैं, अर्थली मास्टर को नहीं मानते, किसी ह्यूमन बॉडी में किसी मास्टर को वैल्यू नहीं देते। इंस्टेड ऑफ सेफ्रन दे होस्ट अ ब्लू निशान साहिब। जनरली आप लोग गुरुद्वारे में जाएंगे तो वहाँ पर एक निशान होता है, एक बहुत बड़ा सा पोल होता है, उसे निशान बोला जाता है। तो निशान का मतलब ही होता है कि इसकी हिस्ट्री अगर आप देखते हो तो निशान को इसलिए लगाया जाता था ताकि दूर दराज के लोगों को देख के पता चल जाए कि अच्छा वहाँ पर गुरुद्वारा है। उसके ऊपर सेफ्रन यानी कि सेफ्रन कलर का जो होता है ना, वो फ्लैग होता है। ये लोग जो होते हैं, इनका जो निशान होता है वो ब्लू कलर का होता है। निहंग जो है, उनका जो स्लोगन होता है ना, वो होता है छड़ दी काला, यानी कि फॉर एवर इन हाई स्पिरिट, यानी दिव्यता में रहना। तियार बार तियार, यानी कि स्टेट ऑफ एवर प्रिपेयर्डनेस, ये हमेशा निरंतर तैयार रहते हैं। फॉर द अनफॉरसीन इवेंट्स, आने वाली किसी भी परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। थर्ड, निहंग्स आर फॉन्ड ऑफ ए पॉपुलर ड्रिंक कॉल्ड शरदाई और शरबती देग। ये एक ड्रिंक पीते हैं जो सैक्रामेंट ड्रिंक भी बोलते हैं इनको, और जिसमें होता क्या है, बादाम, आलमंड्स, कार्डमम सीड्स यानी कि इलायची को बोलते हैं, पॉपी सीड्स, पॉपी ओपियम के और जो ऑयल सीड्स होते हैं ना, उसके सीड्स बने होते हैं, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, रोज़ पेटल्स यानी कि गुलाब के पत्ते, एंड मेलन सीड्स यानी खरबूजे के बीज, उससे बनी हुई एक ड्रिंक ये लोग पीते हैं, जिसको ये बोलते हैं शरदाई या फिर शरबती देग। सो व्हेन अ स्मॉल मेजर ऑफ कैनबीज इज़ एडिड टू इट, जब कैनबीज भी उसमें ऐड कर देते हैं तो उसको सुख निधान बोलते हैं। सुख निधान मतलब ट्रेजर ऑफ कम्फर्ट, यानी कि सुख का खजाना। और जब कैनबीज ज़्यादा अमाउंट में ऐड कर दी जाती है, जो कि कब ऐड करते थे, जब ये बैटल वगैरह पे जाते हैं, तब ये उसको बोलते थे शहीदी देग, यानी कि सैक्रामेंट ऑफ मार्टियरडम, शहीदी देग। अब इनकी हिस्ट्री में इनका क्या रोल था, हालांकि हिस्ट्री में इनका बहुत अच्छा रोल रहा है। निहंग्स ने बहुत मेजर रोल प्ले किया था सिख पंथ को बचाने के लिए, स्पेशली जो फॉल ऑफ फर्स्ट सिख रूल था 1710 से 1750 में, जब जो मुगल गवर्नर थे वो सिख्स को मार रहे थे, और जो अफगान के इन्वेडर थे अहमद शाह दुर्रानी, उन्होंने अत्याचार करने शुरू किए थे, उस टाइम इनका बहुत मेजर रोल था बचाने के लिए सिखों को। निहंग्स ने जो कंट्रोल लिया था रिलीजियस अफेयर्स का सिख्स का, वो अकाल बंग यानी कि जिसे अकाल तख्त भी बोलते हैं, अमृतसर में वहाँ पर था। ये खुद को किसी का सबॉर्डिनेट नहीं मानते, किसी भी सिख चीफ के अंदर नहीं मानते, ये अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस चलती है, यानी कि ये स्वतंत्र रहते हैं, ये किसी के अंडर नहीं मानते अपने आप को। देयर क्लाउड केम टू एन एंड आफ्टर द फॉल ऑफ सिख एम्पायर इन 1849 व्हेन द ब्रिटिश अथॉरिटीज ऑफ पंजाब अपॉइंटेड अ मैनेजर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गोल्डन टेम्पल। जब ब्रिटिशर्स ने गोल्डन टेम्पल को नियंत्रण करने के लिए वहाँ पर एक मैनेजर को यानी कि सरबराह को अपॉइंट किया था, तब से इनका फॉल डाउन स्टार्ट हो गया था। ये था निहंग के बारे में। नेक्स्ट हमारे जो कल्चर वाले में थर्ड है, वो है नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। देखो, इंटेंजिबल वर्ड का मतलब समझो, टेंजिबल वो चीज़ होती है जिसको हम छू सकते हैं, और इंटेंजिबल मतलब होता है जिसको हम छू नहीं सकते। जैसे कि, और जब कल्चर की बात की जाए, कल्चर मतलब संस्कृति, हेरिटेज मतलब विरासत, ऐसी विरासत जिसको आप छू नहीं सकते, तो उसकी नेशनल लिस्ट बनाई जा रही है। कौन बना रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, कितने आइटम्स हैं इसके अंदर? 100 आइटम्स होंगे। क्यों बनाए जा रहे हैं? अरे भैया, अवेयरनेस करने के लिए और उसकी इम्पोर्टेंस फैलाने के लिए। अब और जानो, एग्जाम्पल देखो, जैसे ताजमहल की अगर हम बात करते हैं, तो ताजमहल को आप टेंजिबल बोलोगे इंटेंजिबल? वो बिल्कुल टेंजिबल है, क्योंकि आप उसको छू सकते हो और वो एक कल्चरल हेरिटेज भी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वैदिक चैंटिंग की, अभी और भी एग्जाम्पल आएंगे वैदिक चैंटिंग की, वैदिक चैंटिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है वो, लेकिन उसको आप छू नहीं सकते हो। एक वो सांस्कृतिक विरासत है हमारी जिसको हम छू नहीं सकते हैं, तो ये आती है हमारी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर। स्टार्ट करते हैं, सॉरी मैंने आपको मिनिस्ट्री गलत बता दी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, ये कभी कभी स्लिप ऑफ टंग के कारण हो जाता है, माफ़ कीजिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक लिस्ट रिलीज़ की है, एक लॉन्च किया है नेशनल लिस्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज, जिसमें फ़िलहाल उन्होंने 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स डाले हैं। क्या मोटिव है उसका? मोटिव यही है कि उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, ठीक है। और
इस लिस्ट के अंदर जो 13 एलिमेंट्स है ना, वो ऑलरेडी यूनेस्को की रिप्रेजेंटेशन लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर कल्चरल हेरिटेज एंड ह्यूमैनिटी में ऑलरेडी एडिड हैं। अब आगे बात करते हैं, ये विजन 2024 भी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, उसके अंदर भी आता है, राइट। अब इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। यूनेस्को का जो 2003 का कन्वेंशन था ना, सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, उसके अकॉर्डिंग 5 ऐसे डोमेन्स होते हैं जिसमें आप जिसके अकॉर्डिंग आप एक इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की लिस्ट बना सकते हो। 5 डोमेन क्या होते हैं? ओरल ट्रेडिशन मतलब जो बोलने वाली चीज़ होती है, एक्सप्रेशन, उसमें लैंग्वेज हो सकती है, परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे कलरी पट्टू होता है हमारा, जो वर्ल्ड की मोस्ट एंशियंट मार्शल आर्ट होती है, वो इंडिया से स्टार्ट हुई थी, केरला की साइड से। सोशल प्रैक्टिसेस होती हैं, हमारे कुछ रिचुअल्स होते हैं, हमारे कुछ फेस्टिव इवेंट्स होते हैं। नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस होती हैं कंसर्निंग नेचर एंड द यूनिवर्स, जैसे वेद के अंदर हमारे जो ऋग्वेद हैं, ऋग्वेद के अंदर बस ये बात बता रखी है कि पूरे के पूरे यूनिवर्स का स्टार्टिंग कैसे हुई थी। जैसे अगर आप बिग बैंग थ्योरी की बात करते हो तो वेदों के अकॉर्डिंग अभी हम लोग ब्रह्मा के 51st ईयर के फर्स्ट डे में जी रहे हैं, और ये आई थिंक कई लाखों करोड़ों साल का एक दिन एक सेकंड ऐसे होता है। तो ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई नॉलेज होती है। फिर आता है ट्रेडिशन क्राफ्टमैनशिप, यानी कि जैसे कि कुछ ऐसे क्राफ्टमैनशिप होती हैं ट्रेडिशनल होती हैं वो, यानी कि ट्रेडिशनल मतलब पौराणिक, पहले के ज़माने की हैं वो। फिर हम जान लेते हैं कि यूनेस्को की जो लिस्ट है वो कल्चर हेरिटेज की वो क्या है। ये एक ऐसी लिस्ट है एलिमेंट्स की जो डेमोन्स्ट्रेट करती है डाइवर्सिटी यानी विविधता, किसकी? सांस्कृतिक विरासत की विविधता, जिससे अवेयरनेस फैलाई जाती है, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाता है। ये लिस्ट हमारी 2008 में आई थी, जब कन्वेंशन ऑफ सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज इफेक्ट में आया था। यूनेस्को जो है वो 3 लिस्ट मेंटेन करता है इसके अंडर, इस बैनर के अंडर। कौन सी 3 लिस्ट हैं? वो लिस्ट हैं हेरिटेज की जिनको अर्जेंट सेफ गार्डिंग की ज़रूरत है, लिस्ट वो हैं जिसमें कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी है, और वो रजिस्टर है जिसमें गुड सेफ गार्डिंग प्रैक्टिसेस मेंशनड है। तो यूनेस्को के अंडर ये 3 लिस्ट हैं। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, बहुत खूबसूरत। तो कुछ क्राइटेरिया होता है इसके रिप्रेजेंटेशन लिस्ट का, उसके अंदर क्या बेसिक चीज़ देखी जाती है कि भैया विजिबिलिटी होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी कि वो प्रैक्टिस दिखनी चाहिए लोगों को कि लोग उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अवेयरनेस होनी चाहिए उसके बारे में, जागरूकता होनी चाहिए, वाइडेस्ट पॉसिबल पार्टिसिपेशन, भैया लोग उसको फॉलो भी करना चाहिए। अब कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ें ऐसी ऐसी होती, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये वेरीफाइड हो जाएंगे। ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, आपको पता ही होगा कि वेदास के जो मंत्र होते हैं, इवन आपका हमारा जो गायत्री मंत्र होता है ओम भूर्भुवस्व, जो गुरु मंत्र होता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, ये बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, तो ये सब वैदिक चैंटिंग का पार्ट है। फिर हम नीचे चलते हैं, रामलीला हो गया, कुट्टी अट्टम हो गया, रम्मन हो गया, मुद्दी एटू हो गया, कलबेलिया हो गया, चोर डांस हो गया। चोर डांस जो है ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनमें कई जगह पे अलग अलग तरीके से किया जाता है। बुद्धिस्ट चैंटिंग हो गई लद्दाख की, जम्मू कश्मीर से एरिया की। संकीर्तन हो गया, ट्रेडिशनल ब्रास और कॉपर का क्राफ्ट यूटेंसिल मेकिंग हो गया। योगा तो वर्ल्ड वाइड फेमस हो ही चुका है, नवरोज हो गया, कुंभ मेला हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में आते हैं। तो अब हमने अपने 3 टॉपिक जो हैं पहले कल हेरिटेज वाले पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट 3 टॉपिक करेंगे, और हमको आने वाले 7 डेज़ के अंदर हम लोग अप्रैल मंथ का पूरा ये फिनिश कर देंगे।